देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 55% है, कोई जानता ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं, यह मैं गारंटी कह के कह सकता हूं। जितनी आबादी आदिवासियों की है उतनी भागीदारी आपकी नहीं है। जितने इस देश में दलित हैं उनकी भागीदारी नहीं है। मीडिया की लिस्ट निकालो, मोदी मीडिया है, मगर देखिए, आपको आपको आंकड़े पकड़ने चाहिए, आपको आंकड़े निकालने चाहिए। देखिए यहां बैठे हैं, ये जनता की आवाज कभी नहीं उठाते। मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है वहां पे, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर आता है, इन बेचारों को सैलरी लेनी है, बच्चे पालने, इनकी गलती नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है। मगर आप इनकी लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं, जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, इनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है, इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी बात नहीं करते, क्यों करें, ये आपके हैं ही नहीं। इनको छोड़िए, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, सब जानते हैं 200 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनके बड़े बड़े अफसरों की लिस्ट निकालिए, मुझे दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है, पिछड़े वर्ग का बता दो, दिखा दो मुझे कौन है वहां पे। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक ओबीसी वर्ग का मालिक नहीं है, एक दलित मालिक नहीं है, एक आदिवासी मालिक नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने पता लगाया है, मैंने लिस्ट निकाली है, मतलब 90% आपकी आबादी, और हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट निकाली उधर आपका कोई नहीं, सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी इनकी लिस्ट निकाली उधर आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये तो हमारा काम नहीं है, तो फिर ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, बजट बढ़ता है, महाराष्ट्र को पैसा आता है, तमिलनाडु को पैसा जाता है, सड़कों में लगाया जाता है, डिफेंस में जाता है, बजट को 90 लोग बांटते हैं, 90 आईएएस अफसर हैं, लाखों करोड़ रुपए वो बांटते हैं, डिसाइड करते हैं कहां जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाएगा। 90 नाम में से एक नाम दलित है, एक नाम आदिवासी है, तीन नाम ओबीसी है, आपकी आबादी 50% और 90 में से तीन, और वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में पीछे कहीं बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित ओबीसी आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, आपकी आबादी कहां, 90% भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे, और फिर प्रधानमंत्री कहते मैं ओबीसी हूं, कैसे ओबीसी हो आप, पिछड़ों का आपने क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया आपने, ये बता दो मुझे,